Hi everyone, this is Neha and today I welcome you all to my class where we are going to discuss the topic socialization. So let me write it for you. The topic which we are going to study today is socialization. वैसे तो ये टॉपिक जो है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में ही पढ़ने को मिलता है और आपको पता ही है कि सोशियोलॉजी जब साइकोलॉजी से जुड़ती है तो साइकोलॉजी के एक न्यू ब्रांच को इमर्ज करती है एंड द नेम ऑफ द ब्रांच इज सोशल साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी में जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक्चुअली सोशलाइजेशन सोशल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है विच इज वेरी इजी. साइकोलॉजी में सोशल साइकोलॉजी जो ब्रांच है वो वैसे भी बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हमें हमारे सोशल वर्ल्ड से जोड़ती है और बहुत सारी ऐसी बातों को जेनरेट करती है जो हम ऑलरेडी अपने आसपास देखते होते हैं. सोशल साइकोलॉजी को पढ़ाते वक्त कई बार जब हम न्यू टर्म्स से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अरे ये चीज तो हमने पहले की है या इस एक्शन को तो हमने पहले परफॉर्म किया हुआ है, तो दे फील वेरी कनेक्टेड विद इट. सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल साइकोलॉजी. तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है और स्पेशली जब हम CDP में इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत सारे MCQ ये टॉपिक जेनरेट करता है. बट इजी है, इजी के साथ साथ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर आप इसके बेसिक से अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगे तो. तो आज के वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि सोशलाइजेशन के बारे में मैं आपको ग्राउंड्स बताऊं, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूं जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और जिसके बाद आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके डिफरेंट MCQs को सॉल्व करने के लिए. तो बात ये उठती है कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. सोशलाइजेशन के प्रोसेस को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे कि ये सोशलाइजेशन कितने टाइप का होता है, बच्चों में सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे डेवलप होता है. स्पेशली जो क्लास का हमारा फोकस है वो बच्चों पर रहेगा कि सोशलाइजेशन बच्चों में हमें किस तरह से देखने को मिलता है, कैसे डेवलप होता है. इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि यही काफी डिटेल में हो जाएगा. तो लेट मी नॉट मेक विद दिस वीडियो वेरी बोरिंग फॉर यू, लेट मी मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. तो चलिए शुरुआत करते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस से. देखिए सोशलाइजेशन को समझने के लिए हमें बहुत इजी टर्म पिक करने वाले हैं विच इज आई एम गोइंग टू राइट हियर. एंड ये एक ऐसी चीज है जिससे आज के समय में कोई भी दूर नहीं है. व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू, सोशल मीडिया. सोशल मीडिया क्या है? सोशलाइज होने का ही तो एक मीडियम है, इसीलिए इसका नाम भी है सोशल मीडिया. ये एक ऐसा मीडिया होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम आइसोलेटेड होने के बावजूद बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, लोगों के बारे में जान सकते हैं और लर्निंग भी कर सकते हैं. जब हम सोशल वर्ल्ड में होते हैं तो हम बहुत कुछ लर्न करते हैं क्योंकि लर्निंग तो हमारी वैसे बहुत सारे प्रोसेसेस से होती है बट सोशल वर्ल्ड में रहकर ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत ज्यादा होती है. तो सोशल मीडिया हमें बहुत सारी पॉजिटिव्स भी देता है, नेगेटिव्स की भी बात हम अभी नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें अपने टॉपिक से कनेक्ट होना है फिलहाल, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो सोशल मीडिया नहीं है फिलहाल. लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया हमें सोशलाइजेशन के प्रोसेस से कैसे कनेक्ट करता है. सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लर्निंग होती है. आप देखिए ई लर्निंग इज ऑल्सो अ वे टू कनेक्ट पीपल. लोगों से जुड़ते हैं, सीखते हैं, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करते हैं. तो ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू होता है. तो जो सोशल मीडिया के थ्रू होता है वही सोशलाइजेशन है. मैंने आपको इस टॉपिक से कनेक्ट किया, अदर वेज आर ऑल्सो देयर. ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट है. हम दुनिया में और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं. जैसे आप अपने वर्क के लिए जाते होंगे तो ऑफलाइन मोड में वर्क करते हैं, वहां अपने कोलीग से मिलते हैं. स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर. आप पार्टी करने जाते हैं, फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर जिसके थ्रू आप लोगों से सोशलाइज होते हैं. बट आई वॉज टेकिंग दिस पॉइंट टू टेल यू कि जब हम इस दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट नहीं भी होते हैं तब भी हम इंटरैक्ट हो रहे होते हैं. एंड एवरी टाइम वी इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड विद द पीपल और द एनवायरमेंट अराउंड अस द प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. सोशल मीडिया की अगर बात करें तो बच्चे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की हेल्प से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं. वो अपने घर में रहकर पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं बहुत इजीली. तो सोशल मीडिया सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मीडियम है. ये तो हम मीडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट पर आए कि जो बच्चा होता है उसका जो सबसे पहला वर्ल्ड कौन सा होता है, पहली दुनिया कौन सी होती है उसकी. जब आप दुनिया में आते हैं तो जो सबसे पहले बच्चा कनेक्ट होता है वो कनेक्ट होता है अपनी फैमिली से, राइट? सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली से कनेक्ट होता है. इसके बाद वो अदर फैक्टर्स से कनेक्ट होता है जैसे नेबर से, स्कूल, राइट? लेट मी राइट इट फॉर यू, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट एक्चुअली, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर.
कि वो अपने नेबर से कनेक्ट होता है। नेबर्स के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं उसको, स्कूल में मिलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूल। ऑल दो स्कूल का पार्ट टीचर्स भी हैं, तो टीचर्स भी चलिए एक अलग पॉइंट बना देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीचर्स हो गया राइट। और वो सोशल मीडिया भी हमारा एक तरीके से हम उसको लिखेंगे, लिखना हमको पड़ेगा, क्योंकि ये तो आजकल के टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमको सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व कर रही है। आज तो इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब आप देखिए, मैंने फैमिली को अलग लिखा है और मैं इन पॉइंट्स को एक साथ लूंगी। ऐसा मैं क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सोशलाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो हम दो टाइप की सोशलाइजेशन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जहां हम सिर्फ फैमिली की बात करते हैं, दुनिया में आने के बाद बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली से ही जुड़ता है, मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स सिबलिंग्स और रिलेटिव्स, तो ये सब जो होते हैं उसके बहुत क्लोज रहते हैं, जिनका उन्हें बहुत क्लोज टच फील होता है, जिनको देखकर वो बहुत सारी चीजें सीखता है, जिनके साथ रहकर वो वैल्यूज डेवलप करता है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो फैमिली बिकम्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इज सोशलाइजेशन के दो टाइप हो गए, एक हो गया प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा हम लिखेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि जो हमने पॉइंट्स लिखे, नेबर्स फ्रेंड्स टीचर्स सोशल मीडिया एंड ऑल द थिंग्स आउटसाइड ऑफ द फैमिली, वो सब कुछ सेकेंडरी में आता है। तो सोशलाइजेशन कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया, एक हो गया फैमिली और एक हो गया अदर देन फैमिली। जितने भी हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए या हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल ग्रुप तो खैर बहुत बात की बात है, छोटा बच्चा तो पॉलिटिकल ग्रुप में नहीं जुड़ता, बट एनी अदर काइंड ऑफ ग्रुप, हम यहाँ पे ग्रुप्स भी लिखेंगे, ग्रुप्स हमें जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि हम जो बच्चा होता है ना वो जैसे ही स्कूल में जाता है डिफरेंट ग्रुप्स से जुड़ जाता है, वो ग्रुप स्कूल के क्लब्स हो सकते हैं, स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज के जो ग्रुप्स होते हैं वो हो सकते हैं, या इसके अलावा आप देखिए ट्यूशंस में बच्चा जाता है तो वहां अपने सब्जेक्ट रिलेटेड ग्रुप्स में वो जुड़ सकता है राइट, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकता है राइट, क्योंकि दैट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी वे ऑफ सोशलाइजेशन। पहला तो जो है वो हमेशा डायरेक्ट होगा एंड दैट वुड बी फैमिली। सो वेरी सिंपल इट इज, यहाँ तक तो बहुत सॉर्टेड है, क्लियर है कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा इस दुनिया में रहकर अपने एनवायरमेंट को अडेप्ट करता है, एनवायरमेंट से लर्न करता है और बहुत सारी चीजों को अपने अंदर शेप कर पाता है। कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो गया, या कुछ चीजें उसकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिक डेवलप होती चली जाती हैं, और कुछ चीजों को वो स्किल की फॉर्म में लर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को देखा कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी वो बहुत अच्छे से करता है, लेट्स से आपने किसी को कार ड्राइव करते हुए नोटिस किया राइट, अब आपने आपके मन में डिजायर आई कि ये जो पर्सन कार ड्राइव कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, तो आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑल दो कार ड्राइविंग एक ऐसा स्किल नहीं है जो सिर्फ ऑब्जर्व करके ही सीख लिया जाए, और कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसमें हमें केवल ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा, लेकिन अगर कार ड्राइविंग की हम बात करें तो उसके बाद पर्सन उस स्किल को एक्वायर करने की कोशिश कर सकता है, तो वो क्या कैसे करेगा, अपने एनवायरमेंट में ही रहकर करेगा राइट, तो वो सोशलाइज होगा, लोगों से कनेक्ट होगा, जुड़ेगा। तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो सोशलाइज होता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, और इसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो लेट मी राइट इट फॉर यू हियर, आई नीड अनदर पीस ऑफ चॉक, गिव मी वन मिनट। यस, सो वी आर गोइंग टू राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सबसे पहला तो है इमिटेशन। यू नो इमिटेशन मीन्स ऑल द गर्ल्स मस्ट बी नोइंग व्हाट इमिटेशन इज, इमिटेशन ज्वेलरी आपने सुना है ना, तो वहीं से ये वर्ड है इमिटेशन। इमिटेशन जो है वो एक मेन फैक्टर होता है, क्योंकि इमिटेशन का मतलब होता है इमिटेट करना, देख के कॉपी करना, जो कोई दूसरा पर्सन कर रहा है उसको ऑब्जर्व करके लर्न कर लेना, सो दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को,
अपने सिबलिंग्स को या अपने आसपास के लोगों को कि वो किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को स्कूल में मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें स्किल्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इस सिखाने के अलावा देखते भी बहुत कुछ है, नोटिस भी करते हैं कि हमारी जो क्लास टीचर हैं वो दूसरी मैम से कैसे बात कर रही हैं, जो हमारे सर हैं वो दूसरे मैम से सर से कैसे बात कर रहे हैं, इसको देख के बच्चे इमिटेट करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे ये भी नोटिस करते हैं कि टीचर पढ़ा कैसे रही है। छोटे बच्चों को नोटिस कीजिएगा, वो जरूर पढ़ाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनकी दुनिया में टीचर्स ही होते हैं उतने। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, तो वो क्या करते हैं टीचर को देखते हैं स्कूल में कि वो पढ़ा रहे हैं और घर आके उस चीज को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। सो समवेयर दे आर लर्निंग हाउ टू सोशलाइज और हाउ टू गेट अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन। कैसे अगर छोटे बच्चे हमारे पास होंगे या स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे तो उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से उनसे प्यार से बात करेंगे, यस यू स्टैंड अप सिट डाउन डोंट टॉक काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो होते हैं बच्चे करते हैं, और इसकी हेल्प से वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को धीरे धीरे इमिटेट कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लर्निंग से ही वर्ड निकला है इमिटेशन, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिस आगे की वीडियोस में हम समझेंगे। फिलहाल अल्बर्ट बैंडियूरा है जिन्होंने ऑब्जर्वेशन थ्योरी दी है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने यही बताया है, मेन चीज इसी टॉपिक से कनेक्ट करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने यही बताया है कि कैसे बच्चे ऑब्जर्व करके इमिटेट करके या कॉपी करके लर्न करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द थ्योरी बाय अल्बर्ट बैंडियूरा। तो एक हमारा हो गया पॉइंट इमिटेशन। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज सजेशन। अब सजेशन कैसे एक फैक्टर होता है जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। जब भी हमें किसी से कोई सजेशन मिलता है तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यही चीज बच्चों के भी साथ होती है कि अगर वो किसी के सजेशन को फॉलो करते हैं सो समवेयर दे लर्न समथिंग, दे लर्न टू सोशलाइज इन द वर्ल्ड इन देयर ओन वर्ल्ड। सो सजेशन इज द अनदर फैक्टर थ्रू विच सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑल्दो इसका कोई रैशनल एविडेंस नहीं है कि कितना ये सही होता है कितना गलत होता है, क्योंकि हमें जो सजेस्ट किया जा रहा है वो कितना सही है गलत इसको रैशनलाइज करना मुश्किल होता है। बट सजेशन इज अनदर वे, आप सजेशन कह सकते हैं, इसको गाइडेंस भी कह सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को जो है डायरेक्शन देना, दैट ऑल्सो कम अंडर दिस। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिसमें पर्सन किसी को फॉलो करता है, राइट चाहे वो सजेशन की फॉर्म में करे चाहे वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में करे। फॉर एग्जाम्पल टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है तो वो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से भी बच्चा सीखता है और सोशलाइज करता है। तो दिस इज अनदर वे थ्रू विच सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे एक फैक्टर है जिसकी हेल्प से बच्चा सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है। देखिए समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन भी आता है, यानी कि बच्चा बहुत सारी चीजों को पहले पूछता है किसी से कि ये क्या है, ये ट्रीज हैं, ओके ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ये रिवर है ये क्लाउड्स है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चन को जानता है। बट वंस ही नोज अबाउट द पर्टिकुलर थिंग ही नोज ही लर्न्स टू आइडेंटिफाई इट। वो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उसे पता होता है कि ये मेरे टीचर्स हैं या फिर ये कोई भी दूसरे पर्सन है जिनके साथ मुझे ऐसे बिहेव करना है। ओके व्हेन द गेस्ट कम टू द होम हमें उन्हें ग्रीट करना है, हमें उनसे इस तरह से बात करनी है। नाउ द चाइल्ड आइडेंटिफाइज, अब उसको मालूम है कि एनीबडी हु इज कमिंग टू माय होम फ्रॉम आउटसाइड इज अ गेस्ट, राइट। सो हाउ टू ट्रीट विद द गेस्ट, हाउ टू ट्रीट विद द रिलेटिव्स, हाउ टू ट्रीट विद द सिबलिंग्स, ये सब कुछ बच्चा आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, डिफ्रेंशिएट कर पाता है, और उसी के बेसिस पर वो सोशलाइज होता है। सो आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस जिसकी हेल्प से बच्चा सोशलाइज होना सीखता है। दिस इज द वे, ये एक ऐसा फैक्टर है जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ विच इज द फोर्थ वन, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन। थ्रू लैंग्वेज ओनली द चाइल्ड लर्न्स टू कम्युनिकेट, टू एडजस्ट विद द सोशल एनवायरमेंट एंड टू डिलीवर हिज और हर कल्चरल वैल्यूज, राइट। तो लैंग्वेज वो मेथड होता है जिसकी हेल्प से बच्चा अपने बात को अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाता है। एंड द बेटर द कम्युनिकेशन द बेटर इज द सोशलाइजेशन प्रोसेस। जितना आप सोशलाइज होते हैं उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन को हम लैंग्वेज में भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट और यू कैन से विच इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन को ये फोर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लिख सकते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग
टॉपिक हो गया आज का, जिसमें हमने सोशलाइजेशन को समझा और इसके फैक्टर्स को समझा, टाइप्स को समझा। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इफ यू फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ऑल्सो इस टॉपिक पर और भी वीडियोस हम आगे बनाने वाले हैं, आपको डिलीवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इस पर बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यूज ही है जिनको आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है, बट उसके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो दैट दिस वॉज इट फॉर टूडे। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज डू इट फॉर मी एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।